लोग जिस बैच से निकले हैं उस समय ये स्कूल टॉप का स्कूल था, और अब तो कोई भी अच्छे फैमिली यहाँ आते ही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए ये स्कूल को टॉप पर रखने का, बिहार गवर्नमेंट को चाहिए। बिहार का पहला बालिका विद्यालय जिसकी स्थापना 1892 में अघोरी कामनी देवी ने की थी, और वही ये बालिका विद्यालय है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर जो गोल घर के जस्ट सामने है, और वो जो स्थापना की थी कामनी देवी, और वो देख सकते हैं वही वो बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है जिसकी स्थापना 1892 में की गई थी, और वही ये कैंपस है। हम देख सकते हैं आप किस तरह से, जहाँ से तमाम आपको आपकी बात की जाए तो शारदा सिन्हा है जो भारत की लोक गायिका हैं, और वो यहाँ से पास आउट हुई, और यहाँ से लगभग एक्स MLA भी पास आउट हैं, या तमाम जो बड़े बड़े हैं, चाहे बात करें आपको प्रोफेसर की या अन्य की, वो तमाम लोग जो यहाँ से पास आउट हुई। और आप देख सकते हैं यही वो बिल्डिंग है जिसकी स्थापना 1935 में यहाँ पे की गई थी। इससे पहले यह बालिका विद्यालय एग्जीबिशन रोड में था, उसके बाद उसको जो है वहाँ से लाके यहाँ स्थापित की गई थी, और यह बिल्डिंग बनना शुरू हुआ। और जो एल्यूमिनेट मीट रखी गई है 130 साल के बाद जब जो लोग पास आउट हुई हैं बालिका वो पहुँची हुई हैं, हम उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है मैडम? बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतने एक्साइटेड हम लोग हैं कि क्या बोले, अपने स्कूल में आकर के बहुत ही बढ़िया लग रहा है। 83 नीलिमा सिंह, कहाँ से आए हैं? पटना से ही हैं हम भी, तो 40 साल हो गए हम लोगों को, एक अरसा गुजर गया। बहुत बहुत बहुत, मैं 87 बैच की हूँ, भावना झा, XMLE हूँ मैं, और बहुत अच्छा, हाँ पिछले सत्र में थे हम, और बहुत अच्छा लग रहा है। जब से मैं पास आउट करके इस स्कूल की टॉपर भी रही हूँ, और इस स्कूल से जब से सर्टिफिकेट लेके गई हूँ, पटना में रहने के बावजूद ये दुर्भाग्य है कि आज हम लोग मिल रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा हॉस्टल में रहते थे, और लग रहा है कि जैसे वही बचपन का दिन फिर से मेरे सामने में आ गया, और हम लोग उसको इंजॉय कर रहे हैं। पास आउट होने के बाद कितने साल बाद मिल रहे हैं? हम तो 87 में जो सर्टिफिकेट लेके गए विमेंस कॉलेज में चले गए, उसके बाद हम आज स्कूल में आ रहे हैं। 40 साल हो गए, पहली तो बार हम लोग का एलएमए, हाँ ये हम लोग से हमसे भी सीनियर है, 40 और साल हो गए। आज हम लोग कोई बैच नहीं देख रहे हैं, आज हम लोग स्कूल की सब जो है पूर्वज जो छात्रा है वो मिल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि हर साल अब हम लोग इसी तरह मिलेंगे। वो तमाम पहुंची हुई है, एलुमनी मीट रखा गया है ताकि 130 साल पूरे होने के बाद जिस तरह से ये मीट है, क्या कुछ कहेंगे मैम जिस तरह से आप लोग मीट? बहुत हम लोग अपनी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज गुजार रहे हैं। हाँ, आज का दिन इट इज अ रियली मेमोरेबल डे इन आवर होल लाइफ, द होल बाकीपुरियन सर। 1989। क्या नाम हुआ? जयश्री सना, सेक्शन बी। पास आउट होने के बाद कितने साल बाद आप लोग? मैं पटना आ रही हूँ 27 साल बाद, आई एम दिल्ली से। दिल्ली से आए ये मीट के लिए? बिल्कुल मीट के लिए आए हैं जी। क्या कुछ कहेंगे मैडम जिस तरह से ये आज एलुमनी मीट रखा गया है? स्पेशल और गुड डे है हम लोग के लिए, मेमोरेबल। बहुत लंबा टाइम हम लोग अपने स्कूल में बिताए हैं, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट रहा है ये हमारा स्कूल, 85 बैच से अर्चना सिन्हा है। तमाम जो है वो लगभग कहीं ना कहीं अलग अलग शहरों से पहुंची और अपने अपने मुकाम पे आज पहुंच चुकी हैं। देखिए उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे मैडम जिस तरह से आज एल्यूमिनियम मीट रखा गया है, और आप लोग पास आउट होने के कितने साल बाद पहुंचे हैं? हम लोग लगभग 25 साल बाद यहाँ आ रहे हैं, और सबसे पहले हमारे सभी एलुमनाई, फर्स्ट एलुमनाई मीट को सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और इस पल को बयां करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, और मैं खुद थोड़ी भाव विभोर हुए जा रही हूँ ये पूरा समा देख करके। थैंक यू। देखिए और भी हैं, बात करेंगे किस, देखिए वो तमाम जो पास आउट छात्रा हैं वो पहुंची हुई हैं, और जिस तरह से ये मीट रखा गया है, क्या कुछ कहेंगे जब पास आउट हुए थे उसके बाद ये पल आपको मिल रहा है? ये पल तो हम लोग के लिए बहुत ही, इस पल का क्या बयान करें, हम लोग इतने एक्साइटेड इस पल के लिए, हम लोग को यहाँ आके अपने फ्रेंड से अपने सीनियर से मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि हम पुराने दिन में लौट के आ गए हैं। कब के पास आउट हुए हैं? हम 89 बैच। कहाँ से आए? पटना से हम हैं। हम बनारस से आए हैं और 89 बैच के ही हैं। बनारस से आए हैं? हाँ, और स्कूल का 130 साल से पुराना इतिहास हो गया, और स्कूल में कभी भी एल्यूमनी मीट नहीं हुआ है, आज हम लोग इसको पहली बार कर रहे हैं ऑर्गेनाइज, और आज के कार्यक्रम में बहुत सारी दीदी लोग बाहर से भी आई हैं, और शहर से भी, और इंडिया के तो हर कोने से लोग आए हैं। बहुत ही अच्छा है, पुरानी यादें लौट के आई हैं,
नए संकल्प के साथ, और कोशिश करेंगे हम लोग कि हर साल हम लोग इस तरह का मीट यहाँ पर करते रहे। ये पहला इस स्कूल का पहला मीट है, तो इसीलिए इसमें सारे बैचेस अब तक के जितने बैच थे हम लोग जहाँ तक हो सका सबको कन्विंस किए, और सभी लोग इस बैच में आज शामिल होने का प्रयास सबका है कि हम आ जाएं। तो ये है, और भी है, उनसे बात करेंगे जिस तरह से। ये मैम आज 130 साल पूरे हो रहे हैं और ये पहला ऐसा मौका है जब लोग आप लोगों ने मीट रखा है, क्या कुछ कहिए? क्या कहेंगे, बहुत खुशी लग रहा है, इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है। नाला रोड। अच्छा, पटना से ही? पटना से ही। क्या नाम हुआ? मेरा रजनी सिन्हा। कब के पास आउट हैं यहाँ से? हम लोग 86 के हैं। क्या कहिएगा मैम? हम लोग तो 82 बैच के हैं। अच्छा। और बस आके लग रहा है कि अपना बचपन याद आ रहा है। अच्छा। लेकिन बस स्कूल की हालत खराब हो गई है। स्कूल की हालत? हाँ, एकदम गवर्नमेंट स्कूल को देख के अफसोस लग रहा है, जो बढ़ना चाहिए तो बहुत डिटोरिएट। बहुत ज्यादा। उस टाइम में यहाँ सिर्फ IAS IPS डॉक्टर्स के बच्चे पढ़ते थे, हमारे फादर खुद ही डॉक्टर हैं, और अब तो कोई भी अच्छे फैमिली यहाँ आते ही नहीं है, समझिए कि एकदम बस मैंने लोअर क्लास की फैमिली के बच्चे आते हैं, क्योंकि पढ़ाई में डिटोरिएशन है। गवर्नमेंट स्कूल खराब हो रहा और प्राइवेट स्कूल बढ़ रहा, क्या बोला जाए। अब गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट स्कूल, जो हम लोग जिस बैच से निकले हैं उस समय ये स्कूल टॉप का स्कूल था, उस वक्त 86 एकदम टॉप का स्कूल, लेकिन आज ये स्कूल ऐसा हो जाएगा ये हम लोग सोचे नहीं थे एकदम कि ऐसा स्कूल चला जाएगा, नहीं तो ये स्कूल टॉप का स्कूल पूरे बिहार में बाकी बुगर्स स्कूल एडमिशन लेने के लिए लोग परेशान होते थे। वो तो क्या, दो दो बार एग्जामिनेशन देना होता था इसमें, रात भर हम लोग सोए नहीं थे, सुबह में मम्मी पापा इतना एक्साइटेड थे जब आए देखने के लिए यहाँ पर, तो नाम देख के इतना खुश हुए कि हाँ मेरी बच्ची का हो गया है। सोच लीजिए अब कैसा था उस समय और अब कैसा है। मतलब अभी जो कॉन्वेंट है वो हम लोग का उस समय बाकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल हुआ करता था। सोच लीजिए कॉन्वेंट स्कूल का हम लोग के साथ कंपटीशन होता था, उसमें हम लोग का स्कूल टॉप करता था, उसमें हम शामिल है क्योंकि हम टॉप करके आते थे वहाँ से ना 86 बैच के। बाकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल कॉन्वेंट स्कूल जाती थी, वहाँ प्रोग्राम देती थी, टॉप करके आती थी, तो सोच लीजिए कि वहाँ उस समय और अभी में कितना का फर्क हो गया। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए ये स्कूल को टॉप पर रखने का, बिहार गवर्नमेंट को चाहिए। किस तरह से इस स्कूल पर खास करके ध्यान देना चाहेंगे, इस तरह से स्थिति हो गई? हम लोगों से जो होगा करेंगे। आज हम लोग इसी सिलसिले में ये मीटिंग भी रखे हैं कि जितना अच्छा इसके लिए कर सके वो करेंगे बस। तो आपने सुना तमाम जो पास आउट छात्रा हैं कहीं ना कहीं एक अलग मुकाम पे पहुंच चुकी हैं, और आपने शारदा सिन्हा को भी तो जानते ही हैं, जो भारत पूरे भारत में नाम रोशन है, और खास करके वो लोग गायिका भी जो छठ पर्व के अवसर पर खास करके उनके गीत अगर छठ पर्व में नहीं बजे तो लगेगा कि आप कुछ सुना ही नहीं। और आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पहुँची हुई हैं वो तमाम छात्राएं जो पास आउट हो चुकी हैं, अलग अलग बैच की हैं। उस टाइम की स्थिति जो स्कूल की रही और वर्तमान स्थिति में बहुत अंतर है। अब इन लोगों का कहना है कि हर साल हम लोग इसी तरह का मीट रखेंगे और हम चाहेंगे इस स्कूल का जो स्थिति उस टाइम थी वही स्थिति फिर से आ जाए, क्योंकि अब स्थिति जर्जर हो चुकी, सरकार इस पर अब ध्यान नहीं दे रही, तो हम लोग अब ध्यान देने की कोशिश करेंगे। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।